अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। लगता है पता नहीं ये लिफ्ट कब आई। सुनील मैं एक काम करती हूँ, मैं इसके नीचे जाकर ही वेट कर लेती हूँ। ये सुनील भी ना मतलब चाबी भूल गया। हद है। एक तो इतना ट्रैफिक होता है, ऊपर से ये महाशय जी और लेट कर रहे हैं। अभी लिफ्ट को क्या हो गया? सुनील हेल्प, सुनील कोई बचाओ मुझे। ओह माय गॉड सुनील, ये लिफ्ट कैसे आते हैं? रिया तुम ठीक हो ना? सुनील मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। व्हाट मैन, क्या हुआ साहब? अरे हुआ क्या? दिखता नहीं क्या? मेरी बीवी लिफ्ट में अंदर अटक गई है, उसे बाहर निकालो। मैडम नीचे के किसी भी फ्लोर का बटन दबाइए दोबारा। मैं बटन दबा रही लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मैं मर जाऊंगी, मुझे यहाँ से निकालो बाहर। वो वॉचमैन अपना दिमाग मत लगाओ, मैं कुछ भी नहीं जानता। मेरी बीवी को लिफ्ट से बाहर निकालो कैसे भी करके। कम ऑन जल्दी करो कुछ। लिफ्ट कैसे चीज है मुझे तो नहीं पता लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। लेके आओ किसी को। कम ऑन बाहर। रिया तुम घबरा मत, रिया घबरा नहीं। हाँ वॉचमैन अभी आ रहा है। एक मिनट। आइए। Oh my God! Priya, दरवाजा खोलो। कुछ नहीं होगा, दरवाजा खोलो। अपना हाथ दो मुझे। नहीं सुनिए, मुझे डर लग रहा है।
कहीं लिफ्ट बीच में नीचे जाने लगी तो? कुछ भी नहीं होगा, ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है ये, अपना हाथ दो मुझे, आ जाओ। रिलैक्स, कम ऑन, आराम से, आराम से। ओके ओके, कम ऑन रिलैक्स, अब बाहर आ गई ना, बाहर आ गई ना, कम ऑन। वॉचमैन जी सर, ये लिफ्ट अटकी कैसे? मुझे नहीं पता सर, लेकिन मैं नीचे जाकर देखता हूं। ये भगवान, यहां तो लाश है, लाश, अरे यार लाश पड़ी है, लाश पड़ी है यहां पे, ये देखो। आइए सर आइए, अच्छा हुआ आप आ गए, आपने फोन किया जी, बताइए क्या हुआ? सर लिफ्ट के गड्ढे में एक लाश पड़ी है, लेकिन लाश किसकी है ये नहीं मालूम। चलिए प्लीज, प्लीज मैं नीचे जाके देखता हूँ सर। हाँ देखो, संभाल कर देखो, सबूत सर, इतना बेवकूफ नहीं हूं, ध्यान है मुझे सर। आइए सर, हाँ अभिजीत, कुछ पता चल रहा है? सर ये सर पे काफी खून बह रहा है, ऐसा लगता है ऊपर से गिरते वक्त किसी चीज से टकरा गया था। अभिजीत जरा बॉडी को पलट के देखो, देखो कोई चोट के निशान है? छाती पे काफी खून है और घाव का निशान भी है। ये क्या है? एक मिनट सचिन, जरा होल्ड करना। सर ये टूटी हुई घड़ी है, खूनी की भी हो सकती है और इस आदमी की भी हो सकती है। घड़ी दिखाओ जरा। आठ बजकर 48 मिनट। ये लो भैया सालुंखे, तेरा तो काम हो गया, मरने वाले ने अपना मरने का टाइम भी बता दिया है। तो मैं चलूं फिर? नहीं नहीं, तुम्हारे लिए चाय कॉफी मंगवाता हूँ। यार यार इतनी भी क्या जल्दी, अभी लाश को बाहर निकालेंगे ना। ओके ओके। नहीं सालुंखे नहीं यार, बस रेडी, रस्सी लेकर आओ, लाश को बाहर निकालो। सर एक बात बताओ, आप लोगों को पता कैसे चला कि यहां पर लाश है? सर मिस्टर सुनील की वाइफ लिफ्ट में फंस गई थी, जैसे तैसे करके इनको बाहर निकाला और ये देखने के लिए कि लिफ्ट में क्या खराबी आई है, नीचे आए तो देखा है सर ये लाश पड़ी थी। कब कब पता चला है, कितने बजे? सर ठीक से तो याद नहीं, पर 9 बजे थे। 9 बजे? 9 बजे मतलब लाश देखी गई इसके मौत के 10 मिनट बाद। सर देखिए, क्या आप में से कोई जानता है इस? सर ये मिस्टर कौशल है, हमारी सोसाइटी में 4th फ्लोर पर रहते हैं अपनी वाइफ और माँ के साथ। कौशल? संभल के,
बॉस, इसके सर में बहुत गहरी चोट लगी है। कुछ बता सकते हो किस चीज से ये चोट लगी? अभी तो देखना पड़ेगा। यार सलूकी, कहीं इसने आत्महत्या तो नहीं की? कूद पड़ा चौथे माले से लिफ्ट के डक्ट में? मुझे लगता है जब इसकी मौत हुई है अपने काम पर जा रहा होगा। इसके कपड़ों से तो ऐसे लगता है। सब बोलो, क्या बात है? मैंने कौशल साहब को ऑफिस जाते हुए देखा था। क्या तुमने देखा था? कितने बजे देखा था आपने इनको जाते हुए? सब 8 बजे। ये अकेले थे या उस समय इनके साथ कोई और भी था? अकेले थे सर। संकी, और कुछ पता चल रहा है? बस मैं लाश को फॉरेंसिक लैब ले जाता हूँ। ठीक है, ले जाओ। तब तक हम कौशल के घर वालों से मिलते हैं। अरे आप लोग होश में तो हैं? ये क्या अनाप शनाप बन के जा रहे हैं आप लोग? सॉरी मैम, लेकिन हम कोई अनाप शनाप नहीं बक रहे। आपके बिल्डिंग के नीचे लोग इकट्ठा हुए हैं और आप लोगों को पता तक नहीं चला। चिल्लाने की आवाज तो आ रही थी लोगों की, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए उसे? सॉरी सुनंदा जी, लेकिन हम कौशल को हॉस्पिटल नहीं ले जा सके। उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। कौशल, ये बताइए कि आपने आखिरी बार कौशल को कब देखा था? सुबह ऑफिस जाते हुए। कितने बजे? वही हमेशा की तरह सुबह 8 बजे। 8 बजे? अच्छा ये बताइए, क्या कौशल घर से बाहर निकलने के बाद किसी वजह से वापस आया था घर? सर, उस वॉचमैन ने भी हमें कहा था कि उसने कौशल को ऑफिस जाते हुए देखा था सुबह के 8 बजे। वही तो, और कौशल की लाश हमें मिली लिफ्ट में। इसका मतलब है कौशल वापस आया था। पर क्यों, क्यों वापस आया था कौशल? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कौशल बिल्डिंग से बाहर गया ही ना हो? हो सकता है कि वॉचमैन को धोखा हुआ। चलो मान लिया कि वॉचमैन को धोखा हुआ, तो फिर कौशल 8 बजे से लेकर 8:48 तक कर क्या रहा था? कहां था वो? सुनंदा जी जरा बताइए, क्या कौशल का किसी के साथ झगड़ा था? क्या उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं साहब, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। पूरे बिल्डिंग में उसके शराफत के चर्चे थे। अरे प्यार मोहब्बत से रहता था सबके साथ, कोई दुश्मनी नहीं थी उसकी। लेकिन यह आप सब क्यों पूछ रहे थे? किसी ने मेरे पति को खून किया है क्या? देखिए हम लोग CID वाले हैं, हर तरह का सवाल पूछना हमारा काम है। कौशल का खून हुआ है या नहीं ये तो बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। सर, ये एक्सरे देखकर कुछ पता चल रहा है इसका खून हुआ है या फिर कुछ और? तारिका, ये एक्सरे कुछ बता तो रहा है लेकिन कुछ नहीं भी बता रहा है। लाश की हालत देखकर क्या लगा था सर? जिस तरीके से इस आदमी की लाश पड़ी हुई थी लिफ्ट के गड्ढे में, उसे देख के तो लगता है खून हुआ इसका। सिर के पीछे की हड्डी टूटी हुई है। काफी ऊंचाई से गिरा यार, हाथों हाथ मौत हो गई होगी इसकी। पर सर, हड्डी अंदर तक टूटी हुई है, घाव काफी गहरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लिफ्ट के नीचे कुछ लगा हो जो इसके अंदर घुस गया हो? लिफ्ट के नीचे कुछ लगा हो इस वक्त तो याद नहीं आ रहा था। सर, इसकी पीठ पर भी कुछ निशान है। अच्छा, देखें। ये देखिए सर,
किसी के हाथ के उंगलियों के निशान है। किसी ने इतनी जोर से हाथ मारा इसके पीठ पर कि उंगलियों के निशान अभी भी बचे। मतलब इसका खून हुआ है? बिल्कुल, इसे देख के तो यही लगता है। खूनी को कोई और जगह नहीं मिली थी इसका खून करने के लिए? अब तो खूनी को भगवान भी नहीं बचा सकता है सीआईडी से। ये कौशल वापस कब आया ये क्यों नहीं बताता? बाहर जाते हुए देखा था सर, वापस तो अंदर आई नहीं। कमाल, अभी लिफ्ट पे उसकी लाश देख के आ रहे हो, अब कह रहे हो कि अंदर नहीं आया वो? वापस आई नहीं तो देखता कैसे साहब? जब बाहर जाते हुए तो देखा था ना? हाँ साहब, मेरे सामने ही गए थे। सर जब वापस आया होगा तो ये सो रहा होगा या आसपास घूम रहा होगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अगर आप लोग ऐसी बात करेंगे तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। मैं जब भी ड्यूटी पे खड़ा होता हूँ एक सेकंड के लिए भी इधर से उधर नहीं होता। हाँ, जब सुनील साहब की बीवी लिफ्ट में फंस गई थी तब मैं बस अंदर गया था। कमाल, आदमी कार में अंदर आएगा और दिखाई नहीं पड़ेगा। साहब, कार लेकर अगर अंदर आते तो यहाँ एंट्री जरूर होती। हो सकता है वो बिना कार के अंदर आया पैदल। नंबर क्या उसकी कार का? हाँ साहब, एक मिनट। XZ684K2101। कार अंदर तो नहीं है, उस तरफ भी नहीं है। हाँ सर, उनके साथ धक्का दिया क्या? ओके, थैंक यू वेरी मच। सर, उनके साहब का कहना कि कौशल को लिफ्ट से धक्का दिया गया है, उसके पीठ पे उंगलियों के निशान है। चेक करते हैं, जहां पे धक्का दिया होगा वहां पे कुछ ना कुछ सबूत तो मिलेगा ही। मैं आसपास जाके देखता हूँ कार है क्या। ओके चल, बिल्डिंग के सारे फ्लोर चेक, लिफ्ट के पास देखो, देखो कहाँ से धक्का दिया है, कोई खून के निशान फ्लोर पे, लिफ्ट के पास, दरवाजे पे, कहीं भी देखे चेक करो। ये कौशल वापस आया ही क्यों बिल्डिंग में जब चला गया था? शायद उसे मौत खींच के लाई होगी। कुछ तो गड़बड़ है, वरना आदमी अपने ही घर में चोरों की तरह क्यों आएगा? सर, यहाँ पे ना तो खून के धब्बे और ना ही कोई हथापे के निशान। चलो फिर पांचवे फ्लोर पे देखते हैं। सर, जब से मैंने सीआईडी ज्वाइन किया है एक एक ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसे सुनकर लगता है कि खूनी का पता चलेगा, तो चलेगा कैसे? काजल, ऐसे ही खूनियों को पकड़ने का काम है सीआईडी का। ये भी खूनी मिलेगा तो जरूर, लेकिन थोड़ा परेशान करेगा बस। ये क्या? कुछ एक काम करो, इस फ्लोर में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबसे पूछताछ करो। यस सर। ओके, हाँ अभिजीत, कुछ मिला? सर लगता है कौशल को यहाँ ही इसी फ्लोर से नीचे फेंका गया लिफ्ट से। इसी फ्लोर से, पांचवें मंजिल से? यस सर। अभिजीत, कौशल तो चौथे मंजिल पर रहता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ दया, बोलो। मिल गई? कहाँ पे? ओके ओके, गुड गुड, वेरी गुड सर। कौशल की कार का पता चल गया है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर लिंक रोड पे खड़ी है। लिंक रोड पे कार को देखना पड़ेगा। दया, पुलिस वाला कह रहा था कि ये कार सुबह से खड़ी है यहाँ। कौशल अगर घर वापस गया था तो गाड़ी यहाँ पर क्यों छोड़ के गया? सर शायद गाड़ी खराब हो गई। हाँ हो सकता है। कुछ मिला गाड़ी में?
मैं सर वही कोशिश कर रहा था, गाड़ी खोलता सर अभी। चलो देख। प्लास्टिक नीचे क्या डबके रखा हुआ सर? लड़की की लाश? ये कौशल अपनी गाड़ी में लड़की की लाश लेके घूम रहा है। हो सकता है वो डर गया सर, कि कहीं कोई लाश को देख ना। उसके गले पे उसको निशान है सर। सर गला दबोच के मारा गया है। हाँ, कौशल तो मर गया मगर जाते जाते अपने गाड़ी में एक लड़की की लाश छोड़ गया। समझ में नहीं आता दया, ये लाश किसी और ने कौशल की गाड़ी में रखी या फिर क्या कौशल ने इस लड़की का खून कर दिया? तो है कौन ये लड़की? इस लड़की की फोटो लेके कौशल के बिल्डिंग में दिखाते हैं, कोई ना कोई तो इसे पहचान ही लेगा। हाँ देखिए, अब तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपके पड़ोसी जो चौथे माले पे रहते हैं मिस्टर कौशल, उनका खून हो गया है। सर मेरी वाइफ ने फोन किया था, मैं तो काम छोड़ के ही चला आया था। ये बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि उनका खून इस फ्लोर पे, आपके फ्लोर पे हुआ है, पांचवें फ्लोर पे? यहाँ से, इस फ्लोर से? जी हाँ। लेकिन सर वो तो चौथे माले पर रहते थे, और फिर यहाँ क्या काम पड़ गया उन्हें? यही ढूंढ रहे हैं हम। एक बात बताइए, आज सुबह आप लोगों में से किसी ने भी कौशल को यहाँ पे देखा? किसी किस्म का शोरगुल, आवाजें लिफ्ट के आसपास सुबह 8 और 9 बजे के बीच? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। कमाल है, आपके फ्लोर पे खून हुआ है, इस फ्लोर पे मार के फेंक दिया किसी ने, आप लोगों ने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा? जी मैं तो नाइट करके आया था, सुबह सोया हुआ था, इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जी उस वक्त मैं किचन में नाश्ता बना रही होती हूँ और मिक्सर की आवाज में कुछ भी पता नहीं चलता। देखिए ऑफिसर, हम बहुत देर से आपकी बातें चुपचाप सुन रहे हैं और आप तो ऐसे बर्ताव करें जैसे ये खून हम ही लोगों ने किया। जब तक असली खूनी पकड़ा नहीं जाता, बिल्डिंग का हर आदमी खूनी है, समझे? तहकीकात पूरी होने तक कोई भी यहां से नहीं जाएगा। सिर्फ 503 वाला नंबर का दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। हम लोगों ने फोन भी किया सिक्योरिटी से नंबर लेकर, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, रहता कौन है यहाँ पे? कोई मीना नाम की औरत रहती है। कुछ पता चला? कोई बताने को तैयार ही नहीं है, बोलने कुछ देखा ही नहीं। अभिजीत, कौशल की कार में से इस लड़की की लाश मिली है। लाश गाड़ी में? इन लोगों को दिखा के पूछते हैं। आप लोग इस लड़की को जानते हैं? ये मीना की लाश का कौशल की कार में मिलना और वापस आते ही कौशल का खून हो जाना, इन दोनों का आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर होगा। दया, कौशल के घर वालों से पूछते हैं। हम सभी जानते थे मीना, इनफैक्ट वो हमारी ही बिल्डिंग में रहती है। मौत हो गई है उसकी, खून हुआ है उसका भी। या देखिए, एक बात पूछता हूँ, बुरा मत मानिए, क्या कौशल और मीना के बीच संबंध थे कुछ ज्यादा ही अच्छे? ये कैसी बात कर रहे हैं सीपी साहब? आप मेरे पति पे शक कर रहे हैं? आप उनकी आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। देखिए, हम तो केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मरे हुए पति पे इल्जाम लगाकर? अगर हम आपको ये बताएं कि मीना की लाश आपके पति की गाड़ी में मिली है, यानी कौशल की गाड़ी, तो मीना की लाश कौशल की गाड़ी में? जी हाँ। लेकिन मीना की लाश कौशल की गाड़ी में कैसे आ सकती है? इसीलिए तो हम पूछ रहे वैशाली जी कि क्या कौशल और मीना के बीच संबंध ज्यादा अच्छे थे? वो बात ये है सर कि वो, हाँ सुनंदा जी बताइए। हाँ सुनंदा जी, लगता है आप कुछ जानती है, बताइए।
देखिए आज नहीं तो कल हमें पता चल ही जाएगा, तो बेहतर है आप अभी बता दीजिए। भाभी जी प्लीज, अगर आप कुछ भी जानते हैं तो प्लीज इन्हें बता दीजिए। सर हाँ बताइए। कौशल और मीना एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानते थे। क्या ये क्या कह रहे हैं मम्मी जी? मैं सच कह रही हूँ बेटी, उन दोनों के बीच में कोई बात तो जरूर थी, क्या था वो मुझे मालूम नहीं, किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था उस दिन। ये आपको कैसे मालूम सुनंदा जी? लगभग 2 हफ्ते पहले मैं रात को पानी पीने के लिए उठी थी, मुझे कुछ आवाजें सुनाई थी। कह तो दिया मैंने कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, क्यों मुझे बार बार परेशान कर रही हो? मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही, मैं तंग आ गई तुम्हारे आगे पीछे भागते भागते। देखा तो ये क्या किया तुमने, इतनी रात को मेरे घर पर आने की हिम्मत कैसे है तुम्हारी? ज्यादा चिल्लाओ मत वरना सबको बता दूंगा, सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी तुम्हारी एक सेकंड में। अरे ये बात हम लोग दिन में भी तो कर सकते थे, किसी घर वाले ने देख लिया तो क्या होगा? देख लिया तो देख लिया, मुझे तुमसे अभी बात करनी थी तो बस करनी थी। प्लीज धीरे बोलो। क्यों धीरे बोलो, जरा लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि शरीफ आदमी दिखते कैसे। तुम हद से आगे बढ़ रही हो मीना, ये तो क्या कर लोगे तुम? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसके बाद उन दोनों के बीच में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, मैं वापस अपने कमरे में चली गई। सुनंदा जी आपने कौशल से पूछा नहीं कि क्या बात थी? दोनों की बातों से तो ऐसे लग रहा था जैसे मीना कौशल को धमकी दे रही है किसी बात के लिए। धमकी? शायद कोई बात तो ऐसी थी कौशल की जो मीना को मालूम थी। कम से कम एक बार तो पूछ लेती कौशल से कि वो क्या बात थी जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। मुझे लगा वो खुद ही मुझे बता देगा। मामी जी कम से कम आपको मुझे तो बता देना चाहिए था। हाँ सुनंदा जी, अगर आप ये बात किसी और को बताती या कौशल से पूछती तो शायद कौशल आज जिंदा होता। मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। रात के 3 बजे किसी और फ्लोर पर रहने वाली लड़की कौशल के कमरे में आकर उसके साथ झगड़ा करती है और फिर दोनों का खून होता है, मतलब बड़ी गड़बड़ है। मीना का घर चेक करो। ऐसा लगता है जैसे कोई चोर घुस गया था। हाँ झगड़ा वगड़ा हुआ होगा, आतापाई में सारा सामान बिखर गया है। शायद पति के साथ झगड़ा हुआ होगा। इसकी तो शादी नहीं हुई थी। जी घसीटने का निशान मीना का खून करने के बाद उसे घसीट के ले गया यहाँ से खूनी। इसका मतलब मीना का खून यहीं पे हुआ है। हाँ पहले खूनी और मीना के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा और फिर खूनी ने मार दिया मीना को। कहीं उसी ने तो नहीं मारा सब, कौशल ने, लाश उसी की गाड़ी में मिली है। शायद दोनों एक दूसरे को जानते होंगे या फिर सर ये प्यार व्यार का चक्कर है। हो सकता है। दरवाजे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, इसका मतलब है खूनी मीना की मर्जी से ही अंदर आया था, वो उसे जानती थी। काम करते हैं, घर को अच्छे तरीके से चेक करते हैं। तो लेटर्स, कोई कार्ड या कोई फोटो शायद कुछ पाके रखे हो। जी सर।
तुमने तुमने कुछ सुना? कैसी आवाज सर? सब दिन कुछ है। हाँ सर, कुछ पेपर्स जैसी आवाज आ रही है। ना कुछ है, देखिए इस गद्दे में क्या भरा है। ओह माय गॉड, सर इसमें तो नोटों के बंडल्स हैं। अरे इतने सारे पैसे कहां से आए? इतने सारे पैसे गद्दे में छुपा के रखे थे, दो नंबर के होंगे। लगता है कौशल और मीना की मौत इन पैसों की वजह से ही हुई है। अभिजीत, तुम्हें पता चला कि गद्दे में छुपे हुए वो पैसे कहां से आए थे? नहीं, अभी ये तो नहीं पता चला, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मीना कुछ गड़बड़ थी। ये कौशल को डरा धमका रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी उसे, और इसीलिए कौशल ने मीना का खून कर दिया। क्या कौशल ने मीना का खून किया? आवाज़, ये वो उंगली का निशान है जो मीना के गले में जो चेन थी उस पर लगा हुआ, और ये कौशल की उंगली का निशान, और अभिजीत ये दोनों निशान एक ही आदमी है। और सब नो, कौशल तो खुद मर गया था, तो इसने मीना का खून कब कर दिया? वो मैं नहीं जानता कौशल, लेकिन मीना का खून कौशल ने ही किया। मतलब कौशल ने पहले मीना का खून किया और फिर उसका खून? बिल्कुल। ये कौशल की मौत कब हुई थी, कितने बजे? यही कोई लगभग 8 से 9 बजे के बीच में। इसकी जो टूटी हुई घड़ी मिली थी सुबह, उसमें भी यही टाइम था, 8:48। और मीना, मीना कब मरी? इसकी मौत सुबह 3 और 4 बजे के बीच में हुई थी। बड़ी अजीब बात है, करीब 3 से 4 बजे के बीच कौशल ने 5वें फ्लोर पे मीना के फ्लैट में जाके उसे गला घोट के मार दिया, फिर लाश को नीचे ले जाके गाड़ी में छुपा दी, और फिर वापस 4वें फ्लोर पे जाके अपने घर में आ गया। उसके बाद सुबह 8 बजे ये घर से फिर निकला, जैसे हर रोज ऑफिस जाने के लिए निकलता था, शायद लाश को ठिकाने लगाने के लिए। मगर जब ये गाड़ी लेकर बाहर निकला बिल्डिंग से, इसके दिमाग में फिर से कीड़ा घुसा। इसने अपनी गाड़ी को बिल्डिंग से थोड़ी दूर खड़ी कर ली और फिर वापस बिल्डिंग में आ गया। क्यों? ऐसा कौन सा काम आ गया इसे? पता नहीं क्या चल रहा था इसके दिमाग में। यही नहीं, बिल्डिंग में लौटने के बाद ये अपने घर नहीं गया, ये 5वें फ्लोर पे गया मीना के घर, जहां पे उसने मीना का खून किया था। आदमी खून करने के बाद उस जगह से दूर भागता है, लेकिन ये आदमी वापस वहीं पे गया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसे फोन करके इस मीना के घर में बुलाया? नहीं फ्रेडी, 8 और 9 बजे के बीच कौशल को कोई फोन नहीं आया था। अब तो सिर्फ एक ही बात बचती है। वो क्या? मुझे लगता है कौशल को लगा कि वो कोई चीज भूल गया है मीना के घर में, जिसे वो फंस सकता था। उसके लिए जरूरी हो गया था किसी भी तरीके से मीना के घर में जाए और वो चीज वहां से उठा के चुपके से निकल जाए। अभिजीत, एक बार फिर से इस मीना के घर चल के देखते हैं। अरे मेरे पति ने कुछ ऐसा गलत काम किया ही नहीं कि कोई भी उन्हें ब्लैकमेल कर सके। देखिए मैम, कोई ना कोई बात तो है, और आपकी सास ने भी देखा है मीना और कौशल को आपस में झगड़ते हुए। ये मत भूलिए, इसी घर से हमें गद्दे के अंदर से लाखों रुपए मिले। लेकिन उन रुपयों का मेरे पति से क्या संबंध है? पिछली बार भी आपने तलाशी ली थी ना, तब आपको कुछ नहीं मिला, तो अब क्या मिलेगा? जिस चीज से ब्लैकमेल कर रही थी ये मीना कौशल को, वो किसी ऐसी जगह पे छुपा के रखी होगी ना, जो आसानी से नहीं मिले। और आप लोगों को सिर्फ इसलिए बुलाया गया कि अगर हमें यहाँ पे कोई चीज मिले तो आप बता सकें कि उसका कौशल की मौत से कोई संबंध है या नहीं। कुछ गड़बड़ है। क्या? कुछ है यहाँ पे?
पेंटिंग के पीछे सबूत? कमाल है सर, कहां कहां छुपा के रखा है? बड़ी मेहनत से छुपा के रखी है। वैशाली जी, ये रहा सबूत, आपके पति की फोटो मीना के घर में। पहचानते हैं कौन है ये दूसरा आदमी? मैं जानती हूँ इसे, ये बिल्डर है, चौल गिराकर बिल्डिंग बनाने का काम करता है, लेकिन बहुत बुरा आदमी है सर। क्यों? ऐसे क्या बुराई है इसमें? जब हम चौल में रहते थे तो बहुत परेशान करता था हमें। क्यों? क्यों परेशान कर रहा था? ये हमें जबरदस्ती चौल खाली करने के लिए कहता था, जब हमने इसकी बात नहीं मानी तो इसने चौल को जला डाला और वहां पे मॉल बना दिया। तो ऐसा हो सकता है कि इस कौशल ने आग लगाई है चौल में और फिर उसकी दोस्ती हो गई है बिल्डर से। इस फोटो से भी कुछ उल्टा सीधा ही लग रहा है। इस बिल्डर को पकड़ना पड़ेगा। माफ करना, आप लोगों को मेरा इंतजार करना पड़ा। वो क्या है कि आप लोगों का फोन आया तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैं सोचने लगा कि भला सीआईडी को मुझसे क्या काम आ पड़ा। इस फोटो को देखो, पहचानते हो इस आदमी को? हाँ, इस फोटो में तो मैं भी खड़ा हूँ। साथ में कौन खड़ा है तुम्हारे, पहचानते हो उसे? मेरे साथ खड़ा है तो जरूर पहचानता ही होगा। इस आदमी से क्या संबंध है तुम्हारा? संबंध तो मेरा कुछ भी नहीं है उसके साथ। मैं बस इतना ही जानता हूँ कि उसका नाम कौशल है और वो मेरी बनाई हुई तीन बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग में रहता है। बस तुम वही तीन बिल्डिंग की बात कर रहे हो ना, जिसकी जमीन तुमने गरीब लोगों से हड़प ली? क्या मतलब? बनो मत। कौशल का खून हुआ है और वो खून तुमने किया है। मैं भला उसका खून क्यों करने लगा? मैंने खून नहीं किया, उसने तो मेरी मदद की है चौल में आग लगाकर, और जिसके लिए मैंने उसे 2 करोड़ रुपए दिए हैं। 2 करोड़? हाँ सर, लगता है कि मीना को इस बात का पता चल गया होगा कि कौशल ने इससे पैसे लेकर आग लगाई है चौल में, और इस बात का फायदा उठाकर वो कौशल को ब्लैकमेल करने लगे थे। और कौशल इससे न सका तो उसने मीना का खून कर दिया। अगर कौशल को किसने मारा, कौशल को किसने? शायद इस फोटो से कुछ पता चल सके। ये फोटो कहां खींची थी? सर, 3 महीने पहले मैं कौशल को एसवी रोड पर मिला था, शायद तब किसी ने खींची हो। अच्छा, तो बस चलो दिखा हमें वो जगह जहां पर ये फोटो खींची गई थी। चलो खड़े थे तुम कौशल के साथ? सर यहाँ पर खड़े थे। यहाँ पर? फोटो के हिसाब से तुम गेट के बाहर खड़े थे। तो इसका मतलब है कि फोटो सामने से ही खींची है। इस फोटो में तो नीचे का ऐसा काफी ज्यादा दिखाई दे रहा था, हो सकता है कि किसी ने फोटो ऊपर से ली। हो सकता है। एक काम करते, सामने वाले इस बिल्डिंग में जाकर एक एक फ्लोर से चेक करते, देखते कहाँ से फोटो खींची। विवेक, फ्रेडी से कहो कि मनीष साहब को हमारा मेहमान बनकर ले जाए और अच्छी खातिरदारी करे। सर मैं कुछ मतलब समझा नहीं। समझ जाओगे। चलो सर जी। ये सर आप हो गया। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं और यहाँ पे एक खून की तहकीकात कर रहे हैं। कून? जी हाँ, कून। इस ऑफिस की खिड़की से किसी ने एक फोटोग्राफ खींची,
और हमें ये पता करना है कि वो किस खिड़की से खींची गई। यहाँ से, हमारे ऑफिस से। जी हाँ, यहाँ से, आपके ऑफिस में से, क्योंकि बाकी सारे फ्लोर चेक हो चुके हैं। तो ये बताइए, आपके ऑफिस में से एसवी रोड कहाँ से साफ दिखता है? सर उस वाली खिड़की से। उस वाली खिड़की से? जी सर। यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा जब तक हम कहें। विक, जाने। देखो जरा फोटो खींचो, क्या यही एंगल है? सही है, लगता है यहीं से खींची है। यस, बिल्कुल वैसे ही जैसे फोटो में। देखिए फोटोग्राफ को, किसने खींची है ये फोटो? हम से? आप में से किसी ने खींची है? याद करके बताओ, किसने खींची है फोटो? सर अगर ये फोटो यहाँ से खींची गई है तो ये जरूर हमारे फोटोग्राफर ने खींची होगी। वो हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ करता ही रहता है। फोटोग्राफर कहाँ है वो? बुलाओ जरा उसे। पर सर आज तो वो नहीं आया। क्यों, क्यों नहीं आया? सर वो उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई है। गर्लफ्रेंड की मौत हो? क्या नाम है उस फोटोग्राफर का? धीरज। धीरज? और गर्लफ्रेंड का? मीना। मीना जो मीना, ये वही धीरज है ना जो मीना की बिल्डिंग में रहता है? हाँ सर, पर आपको कैसे मालूम? अगर हमें नहीं मालूम होगा तो और किसे? लेट्स गो। अभिजीत, खूनी हमारी आंखों के सामने घूमता रहा पर हमें पता भी नहीं चला। तुम खामखा डर रहे हो, हम सिर्फ तुमसे मिलना चाहते, कुछ बात करना चाहते बस। तुम लोग ये मीठी मीठी बातें करके मुझे फंसा मत, और वैसे भी तुम्हारे हाथों जेल जाने से तो अच्छा है कि मैं खुद की जान दे दूं। नहीं देखो, देखो खोजो मत, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है? देखो तुम बात समझने की कोशिश करो, हम तो सिर्फ दो बातें करना चाहते थे, प्लीज सुनो हमारी बात। मैं बोलता हूँ, पूछूंगा, मेरे पीछे मत आना, मेरे पीछे मत आना, मैं पूछूंगा। बहुत अच्छा क्रोध मचा रहे तुमने। हाँ मैंने मारा उसे, मैंने। क्यों, क्यों मारा तुमने उसे? ऐसी क्या दुश्मनी थी कौशल के साथ? खून का बदला खून, उसने मेरी मीना का कत्ल किया, मैंने उसका कत्ल कर दिया। ऐसे ही अगर अपराधी हिसाब बराबर करने लगे तो फिर कानून क्या करेगा है? मगर मीना को क्यों मारा कौशल ने? उसकी कोई तो वजह होगी। कोई बहुत ही बुरा आदमी था और मीना सब कुछ जानती थी उसके बारे में। क्या क्या जानती थी? वो गलत कामों में लगा हुआ था और मीना सब जानती थी। मगर उसे ये कैसे पता चला? मैंने कौशल को एक दिन एक आदमी के साथ देखा और चुपके से उसकी फोटो खींची, सोचा था उसको दिखाऊंगा, लेकिन वो फोटो मीना के हाथ लग गई। मीना का मेरे घर पे आना जाना था, हम दोनों शादी करने वाले थे, और मीना ने कौशल को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, और इसीलिए कौशल ने मीना का खून कर दिया है। वो मीना की लाश को फेंकने लेके जा रहा था कि अचानक उसे उन्हें फोटो याद आई जिसे दिखाकर मीना उसे ब्लैकमेल किया करती थी, और वही फोटो लेने के लिए वो वापस गया मीना के घर, है ना? जी।
मीना से मैं कई दिनों से नहीं मिला था। मैंने उसे मिलने की कोशिश भी की थी, उसे फोन भी किया, लेकिन उसने मेरा फोन पिक ही नहीं किया। कल अचानक मैंने उसके घर के दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और फिर कौशल, तुम मीना के दरखा दरवाजा क्यों खोल रहे हो? क्या चोरी कर रहे हैं आप? नहीं तो फिर क्या क्या कर रहे हो? और ये दरवाजा खुलने का क्या मतलब हो सकता है? बोलो मेरे को, सच से बोलो। चोरी नहीं यार, मैं कुछ अंदर भूल गया था। भूल गए थे? पर मीना तो घर पर नहीं है, तो तुम क्या बोले? ऐसी मुझे लगा। देखो मुझे सच से बोलो, नहीं तो मैं पूरी बिल्डिंग को चिल्लाकर बोल दूंगा कि तुम यहाँ पर चोरी कर रहे थे मीना के घर पर। बोलो। मैं कुछ उठाने आया। क्या सबूत? सबूत? कैसे सबूत? वो मैं नहीं बताऊंगा। मीना का? मैं पूछता हूँ मीना का, मैं पूछता हूँ मीना का। क्या किया तुमने उसके साथ? बोलो तुमने मीना के साथ क्या किया? बोलो। मैंने उसे मार दिया। क्या? तुमने मेरी मीना को मार दिया? तुमने मेरी मीना को मार दिया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद मैंने देखा कौशल मर चुका था। मैं उसे किसी तरह खींच कर लिफ्ट तक ले गया और वहीं फेंक दिया। मीना और कौशल को तो सजा ऊपर वाली ने। अब तुम्हारा नंबर है धीरज, फांसी पर लटकने का।